जी, मैं गलत कदम नहीं उठाऊंगा भाइयों, मैं हक की लड़ाई लड़ता हूँ, मैं बेहक की लड़ाई नहीं लड़ता हूँ भाइयों। मुझे पूरी आशा है मेरा जन सहयोग मुझे मिलेगा ही मिलेगा। मैं अपनी लड़ाई तो लड़ रहा हूँ, मैं सभी दिव्यांग भाइयों से कहता हूँ, कभी कभी हौसला मत हारिए, हौसला हारेंगे तो झुकना पड़ेगा। मैं भी देखिए दिव्यांग हूँ, आप मेरा सही देखेंगे तो आप अगर मेरा सही देखेंगे, हमेशा मैं हिम्मत रखता हूँ, हिम्मत ही सबसे बड़ी पूंजी होती है सर। मैंने कभी गलत विचार नहीं रखे, मैं आज एक साइकिल पंचर जोड़ के अपना घर परिवार चला रहा हूँ। देखिए ये छह जन का एक बंदा विकलांग आदमी पाल रहा है, लेकिन इन नेताओं के जू तंग नहीं नौ रही है सर। देखिए क्यों नहीं नौ रही है, एक तरफ से आप कह रहे हैं कि हमें चावल प्रशासन से दे दिया, कहाँ दिया बताइए। इसका जीता उदाहरण मैं हूँ इसका जीता उदाहरण, कहाँ दिया चावल प्रशासन से बताइए आपने, क्यों नहीं दिया, क्यों झूठे वादे करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री में मैं जॉब करता था, फोर्थ क्लास में मुझे हटाया गया और अपने अपने लखपति करोड़पति अरबपति तक वहाँ भरा गया। बताइए कहाँ का इंसाफ, बताइए तो हम कैसे अपने परिवार पालें। खाली हमको वोट बैंक का युद्ध किया है, उसके बाद हमें दूध में मक्खी इतना उठा के फेंक दिया था, बताइए हम कैसे अपना परिवार बने। हर आदमी कहते हैं कि स्वतंत्र है, कहाँ स्वतंत्र है, अभी तक तो हम गुलामी रह गए भाइयों, अभी तक तो गुलामी रह गए, हम कोई स्वतंत्रता मिले नहीं हमको, बताइए। मेरा नाम शंकर लाल है सर। शंकर लाल जी, आज यहाँ आप डीएम कैम कार्यालय में किस लिए आए हैं? हम अपना ज्ञापन देने आए सर, हम ज्ञापन कई दे चुके हैं, लेकिन उन ज्ञापन में एक दिखाई बेटा। तो आप क्यों आए हैं? सर मैं लाल बहादुर शास्त्री में जॉब करता सर, संसदीय कर्मचारी था सर। पूर्व मंत्री कैबिनेट मंत्री हरिचंद दुर्गापाल जी ने मुझे आश्वासन दे के वहाँ से हटाया कि आप संसदीय कर्मचारी हैं और अभी हमारे स्कूल की स्थिति देनी है और हमारे वेतन भत्ते के लिए भी हमारे बजट नहीं है और हमें स्कूल घाटे में चल रहा है। उस टाइम वो लाल बहादुर शास्त्री को रहे। अभी आप यहाँ क्या मांग लेकर आए? मैं ये मांग के लेकर आया हूँ, मैं माननीय डीएम साहब को ज्ञापन दे रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री के लिए, कि मेरी ज्ञापन वहाँ तक पहुँचे और मेरी वहाँ पर सुनवाई हो और मुझे पुनः नियुक्ति दी जाए। विकलांग कोटा मेरे पास, जाति कोटा है और गरीबी लोग है, तीन दिन आरक्षण है मेरे पास और तीन दिन आरक्षण होने के बाद भी मुझे क्यों नहीं लक्ष्य लाभ मिल रहा, बताइए। क्या चेतावनी दी इनको आपने? चेतावनी मैंने ये दी रखी है, अगर 10 दिन के अंदर मेरी मांग अगर पूरी नहीं हुई, मुझे नियुक्ति नहीं हुई, मैं जो भी इच्छा उठाऊंगा उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, मैं नहीं जी।